अगेन अपने बारे में बता देता हूँ, नाम मार्क्यूज विक्रम सिंह राठौड़ है। बेसिकली मैं राजस्थान राजसमंद से हूँ। आप लोगों से मिलके काफी अच्छा लगा, वैसे मैं दिन में मिल भी चुका हूँ काफी लोगों से। अभी के टाइम पे मैं सूरत सेंटर पे काम कर रहा हूँ ड्यूक संजय सीनियर के साथ में। काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है और रियल्टी बिजनेस में काफी ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, और प्रेजेंट टाइम में कंपनी में रियल्टी बहुत ज्यादा बिजनेस ग्रोथ कर रहा है। हमारे सूरत सेंटर की बात करूं या आपके फालना सेंटर की, तो हर महीने में मार्क्यूज निकल रहे, राइट? कहीं ना कहीं हर इंसान के माइंड में एक सपना है कि यार मुझे भी कभी ना कभी 41 बनना है, राइट? जो बन चुके उनके लिए कुछ नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बैठे हैं कि जिन लोगों को मार्क्यूज बनना है, जिन लोगों को ड्यूक बनना है, और सपने बहुत बड़े बड़े देखे हुए हैं, राइट ना? तो ब्रदर सिंपल सी चीज है, जहां तक मेरा मानना है, तो हमारा जो इंडियन कल्चर है, जो इंडिया के जो लोग हैं, हम लोग जो हैं, अधिकतर क्या करते हैं कि यार हम लोग अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर करके अपने आप को कमजोर फील करते हैं। अधिकतर ऐसा होता है कि यार मैं अपने अंदर की कमजोरी खुद ढूंढता हूँ, मैं क्यों नहीं कर पाया, मेरी एजुकेशन कम थी, मैं क्यों नहीं कर पाया, मेरा फैमिली बैकग्राउंड सही नहीं था, मैं क्यों नहीं कर पाया, मेरा लुक सही नहीं था, मैं क्यों नहीं कर पाया। मेरे पास हजार बहाने मिल जाएंगे ना करने के, मेरे पास हजार एक्सक्यूजेस मिल जाएंगे ना करने के। वो एक्सक्यूजेस ब्रदर, जो एक्सक्यूजेस क्रिएट करता है ना, वो फेलियर इंसान होता है, याद रखना इस चीज को। यहाँ पे आए हुए हर सीनियर के बारे में सुना, काफी ज्यादा अंकल ने अपने पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस भी शेयर किया, आपने हर इंसान की सिर्फ लाइफ के बारे में, सक्सेसफुल के लाइफ के बारे में सुना, राइट ना? सुना नहीं कि सुना कि सीनियर कैसे 41 बन गया, कैसे ड्यूक बन गया, सुना ना? अच्छा, किसी ने जानने की कोशिश करी कि सीनियर आपका स्ट्रगल टाइम कैसा था? किसी ने जानने की कोशिश करी? ब्रदर, पेड़ बोते ही फल देना स्टार्ट नहीं करता है, पापा खेती करते हैं तो फसल को बोते ही फसल नहीं हो जाती, राइट ना? तो ब्रदर पहले उस चीज को बोना पड़ता है, बीज को बोना पड़ता है, और कई ज्यादा मेहनत करने के बाद कई टाइम बाद वो रिजल्ट देता है, राइट? तो सेम सी चीज है यार, अगर हम लोग मार्क्यूज बने या सीनियर ड्यूक बने, तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल टाइम हमारा भी काफी ज्यादा हद तक पेन वाला था, बहुत दुखदायी था। हम लोगों ने स्ट्रगल किया था, मेहनत करी, तब जाके आज लोगों के सामने हम बोल पा रहे हैं, अचीवमेंट है हमारे पास, राइट? तो ब्रदर अपनी बताऊं ना, जब मैं चंडीगढ़ में ट्रेनिंग लगाई थी, मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था, तो कसम से एक दिन ऐसा आया था कि जेब में 10 रुपए बचे थे, सिर्फ 10 रुपए, और उन 10 रुपयों के देखने के बाद मैंने सोचा यार इससे मैं खाना खाऊं या चाय पीऊं, पता नहीं चल रहा। पूरा दिन सपोर्ट करने वाला कोई नहीं, किसी से बोला किसी ने पैसों की हेल्प कर दो, सीनियर नो मनी लैंडिंग, पैसों की हेल्प नहीं करूंगा मैं, दूसरा कुछ भी बोलो हेल्प कर दूंगा। जेब में 10 रुपए को लेके सोचा कि यार ब्रदर जो कंडीशन है आज है, ठीक है सहन कर लूंगा, लेकिन कसम खाता हूँ कि आगे आने वाले 1 महीने बाद ऐसी कंडीशन रहने नहीं दूंगा, समझ लो इस चीज को। मुझे बताएगी हम लोग, मेरे सामने जो अधिकतर पर्सन बैठे हैं, उनकी लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम चल रही होगी, कोई फैमिली वाले मना कर रहे हैं कि काम नहीं करना, कोई फ्रेंड गलत बोल रहे हैं, कोई क्या कह रहा है, पता नहीं बहुत सारी चीजें उनके माइंड में घुस रही है, राइट ना? बस याद रखना, तो अंकल ने कहा था एक बात कि ब्रदर आगे बढ़ने के लिए कोई रीजन कोई विजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो आपकी लाइफ में एक ऐसा रीजन होना चाहिए जो आप कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में खड़े हो, कितनी भी बड़ी मुसीबत में गिरे हो, आप अपने रीजन को याद कर लेना, और वहां से फील हो जाना चाहिए कि यार मुझे किसी और के लिए नहीं, इस रीजन के लिए करना है, समझ रहे इस चीज को। आज मैं अपनी बताऊं ना, तो मैं भी एक छोटे से गांव का हूं, और मेरे गांव में आज भी कच्चा रास्ता है। मेरे गांव को अगर मैप पे ढूंढोगे तो मैप पे मिलेगा भी नहीं, लेकिन मेरे गांव के लोग एक टाइम कहते थे कि ब्रदर छोड़ दे ऐसा काम, घर आजा, ये वो बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन यार मुझे बताए ना, मैं किसकी सुनूं बताओ? वो लोग जिन लोगों ने आज दिन तक जिंदगी में कुछ अचीवमेंट नहीं लिया, गांव में खेती कर रहे हैं और छोटी बड़ी राय दे देंगे, इंडिया वाले ना फोकट की राय तो और कोई देता है, मैं उन लोगों की सुनूं जिनके पास कोई अचीवमेंट नहीं, या उन लोगों की सुनूं जो लाखों का अचीवमेंट लेके खड़े हैं और बोल रहे हैं ब्रदर टीवी में बन जाएगा, किनकी सुनूं? उन लोगों की सुनने, इंडिया के अधिकतर लोग जो एजुकेट लोग हैं और वेल फैमिली कंडीशन लोग हैं, वो कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग ही इंडिया को आगे ले जा सकता है, और डायरेक्ट सेलिंग ना सिर्फ हम लोगों का पैसा कमाने का जरिया, ड्यूक रोशन सिन्हा ने एक मीटिंग में भी कहा था कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा जरिया है जिससे हम अपनी इंडिया की जो आर्थिक स्थिति है वो भी एक लेवल पे बेटर कर सकते हैं, समझ रही चीज को। बस मेरा भी एक सपना था कि यार फादर ने 26 साल आर्मी में जॉब करी है, तो मैं पापा के लिए कुछ भी नहीं कर पाया था, क्योंकि जब मेरे पास एसोट आई तब तक मेरे फादर मेरे साथ नहीं थे,
मतलब लकी इंसान हो कि आज तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ है, किसी और के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, अपने माँ बाप को देख लेना, वो कंडीशन तुम्हें मोटिवेट एनी टाइम करेगी। और बस एक चीज सोची कि यार अब करना है किसी और के लिए नहीं, अपने मदर के लिए करना है, वो टाइम ऐसा लाना यहाँ पर लाल डायमंड नहीं ग्रीन डायमंड हो, समझ रहे इस चीज को, ग्रीन डायमंड जानते हो ना। साढ़े तीन साल निकाले ना, सिर्फ तालियां बजा के साढ़े तीन साल मेहनत करिए, और रियलिटी बताए तीन साल और कर लेंगे ना, तीन साल छोड़ चार साल बाद भी अगर ड्यू बन रहा हूँ, और ड्यू बनने के बाद अगर पर महीने का 10 लाख आ रहा है तो कम नहीं है, राइट। प्रेजेंट के लिए नहीं, आने वाले फ्यूचर के लिए करना है। और मैं एक चीज बताता हूँ कि ये चीज आप जरूर फील करोगे, जब भी तुम 41 बनोगे, जो लोग नहीं बने, जब भी तुम 41 बनोगे ना, उस इस बात को याद रखना कि चाहे तुम इस डीबे में पैसा कमाओ या ना कमाओ, लेकिन जिस टाइम तुम्हारे मम्मी पापा या सीने पे बेस लगाने आएंगे ना, भले ही उम्र उनकी हो चुकी होगी और आंखें छोटी छोटी हो रही होगी, कमजोरी होगी शरीर में, लेकिन उनकी आंखों में जो चमक होगी ना, उनकी आंखों में जो तुम्हारे लिए खुशी होगी ना, रेडी कह रहा हूँ, दुनिया की सबसे बड़ा सुकून उस जगह पे मिलता है जब अपने फैमिली वालों की आंखों में वो खुशी। थैंक यू सो मच। वही दिन मम्मी के सामने मेरा भी एक टाइम था बेस लगा, और रियलिटी खुशी हुई काफी ज्यादा हद तक, मम्मी तो रो भी पड़े, लेकिन पता है कि यार जो चीज खो चुकी है मैंने, कि मेरा फादर नहीं है, इस चीज को लेके मैं रो नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, मेरे पास जो चीज है ना उस चीज को लिए मुझे भागना पड़ेगा। हमेशा हम ये करते हैं कि हमारे पास नहीं, हम उसी को कोसते रहते हैं कि भाई मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। ब्रदर तेरे पास जो है वो बहुत है, तू कई लोगों से आगे, कई लोगों से बैटर कर सकता है, बस जरूरत है तो तुझे अपने आप फील करने की कि हाँ मैं ये चीज कर सकता हूँ। और अगर जिस दिन तुम्हारे दिल से आवाज आ गई ना ब्रदर, हाँ मैं ये कर सकता हूँ, कसम खा के कहता हूँ कि दुनिया की कोई सी ताकत तुम्हें नहीं हिला सकती उस काम को रोक करने से, समझ रहे हो, लेकिन वहां तक तुम्हें पहुंचने के लिए जिद्द लगानी पड़ेगी, समझ रहे हो। बाकी अच्छा लगा आप सभी से मिलकर।